नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रिज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोगों को किसी जॉब, चाहे वह सरकारी, प्राइवेट या यहाँ तक किसी फैक्ट्री में ही क्यों ना जॉब करनी हो, हमें इसको देने की आवश्यकता होती है। इससे सामने वाले के लिए हमारी बेसिक डिटेल्स को समझने के लिए, उसको सेव करने के लिए आसानी रहती है। डॉक्यूमेंट्स या रिज्यूम बनाने के लिए हमको एमएस वर्ड की बेहतर नॉलेज चाहिए, या फिर हम इस रिज्यूम को बनाने के लिए किसी नज़दीकी कैफे पर जाकर इसको बनवा सकते हैं। परंतु आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से बिना किसी एमएस वर्ड या उसकी बेहतर नॉलेज के बगैर ही आप अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूम मिनटों में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अपना आप तो किसी थर्ड पार्टी ऐप की आवश्यकता होगी और ना ही किसी आपको बेहतर नॉलेज की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से एक प्रोफेशनल रिज्यूम को बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यदि आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लीजिए और सिंपली आपको सर्च करना है रिज्यूम ग्राउंड। जैसे आप रिज्यूम ग्राउंड सर्च करते हैं, वैसे ही हमारे सामने एक पहली ही वेबसाइट हमारे सामने निकल कर आ जाती है, जो कि बिना साइन अप किए ही आपको फ्री में रिज्यूम बनाकर बिल्कुल जस्ट 1 मिनट में दे देती है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना है। क्रिएट नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाता है निकल कर, और यहाँ पर आपको कोई भी लॉगिन या साइन अप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको क्रिएट योर रिज्यूम पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है हेडिंग। हेडिंग में आप रिज्यूम डाल सकते हैं, सरिकुलम वीटी डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर रिज्यूम डालना है। उसके बाद व्हाट इज योर प्रोफाइल, यदि आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वेब डिजाइनर हैं, अगर आपको प्रोफाइल डालना है तो डालिए, अन्यथा आप यहाँ पर सिंपली इसको ऐसे ही स्किप कर दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना फादर नेम डालना है। उसके बाद आप अपने यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर अपना हाउस नंबर डाल देंगे, यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में अगर आपको कुछ और डालना है तो यहाँ पर एड रो पर क्लिक करके आप अपनी और बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। उसके बाद लैंडमार्क में आप गली नंबर या आपका जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए। यहाँ पर सिंपली आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, या आपके पास कोई डिप्लोमा है, या कोई आपके पास आईटीआई वगैरह है, अदर क्वालिफिकेशन में आप इसको यहाँ पर एड रो कर करके आप अपना नॉलेज जो है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नॉन लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश जो भी आपकी है, एरिया लोकेलिटी में आप अपना एड्रेस डाल देंगे। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर डाल दीजिए, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अपना बढ़ा देना है। यदि आपके पास एक से अधिक एक्सपीरियंस है तो ऐड रो करके आप यहाँ पर जितने चाहें उतने एक्सपीरियंस को अपना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट और अपना पिन कोड, सिंपली यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस में अपनी जो भी स्थिति है आपकी, मैरिड या अनमैरिड, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देंगे। सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट रिज्यूम पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर आपको एक सैम्पल बतौर बना के दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आप मेरा प्रोफाइल बन के आ गया। यदि आप चाहते हैं कि आपको जो भी एडिट डिटेल करनी है उसमें, तो आप यहाँ पर उस डिटेल को ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें और भी कोई करेक्शन करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। वरना सिंपली आपको योर रिज्यूम, यहाँ पर आप अपना रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाता है। शेयर योर रिज्यूम आप यहाँ से व्हाट्सएप या फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर के माध्यम से भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो देखें आप, यहाँ सेकेंडों में हमारे सामने हमारा रिज्यूम बन के तैयार हो चुका है। हम यहाँ पर सिंपली डाउनलोड रिज्यूम पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम डाउनलोड रिज्यूम पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस तरह से हमारा रिज्यूम डाउनलोड होकर यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पे ना तो हमें किसी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है और ना ही हमारे पास एमएस वर्ड की कोई टेक्निकल लैंग्वेज की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति अपने मोबाइल या लैपटॉप से कुछ बेसिक डिटेल को फिल करके यहाँ पर इस रिज्यूम को बना सकता है। सिंपली आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद आप इसको जहाँ पर चाहें अपनी गैलरी में, फ़ोन में आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसको आसानी से किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से अपना सेकेंडों में अपना रिज्यूम बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई कैफ़े वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से इस वेबसाइट का प्रयोग करके आसानी से अपना रिज्यूम बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें,
और अन्य दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी ऐसी नॉलेज से रूबरू हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।